संकल्प का खजाना किसके पास है? आत्मा के पास है ना? या मैं अपने आप को ये पर्सनल आइडेंटिटी का चोला पहनकर फिर सोच रही हूँ संकल्प का खजाना, तो बहुत लिमिटेड हद के दृष्टिकोण से मैं आत्मा सबसे पहले तो अपने आप को देख रही हूँ और फिर उसमें रहकर मैं दूसरे संकल्पों के खजाने को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये पर्सनल आइडेंटिटी एक थॉट है ना? तो परमात्मा आत्मा से बात कर रहे हैं और आत्मा को बोल रहे हैं जो कि जिसका नेचर साइलेंस है, और ओम साइलेंट नेचर ऑफ द सोल। तो सोल का जो नेचर है वो साइलेंस है। जब वो पता होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली आत्मा परमात्मा के संकल्प को लेती है ना? और परमात्मा के संकल्प होते हैं बिल्कुल सेल्फलेस, डिज़ायरलेस, है ना? तो मैं आत्मा कोई भी कर्म करती हूँ, प्रैक्टिकल भी, मान लीजिए टिकट खरीदना है कहीं जाने के लिए, टिकट खरीदा, अब उसके साथ चार संकल्प और नहीं चलेंगे। अरे खरीद तो लिया है, पहुँचेंगे तो टाइम से पहुँच जाएंगे कि नहीं पहुँच जाएंगे, क्या करें अगर ऐसा हो गया तो, फिर वैसा हो गया तो, ये सब जो हैं ये एक्चुअल में वेस्ट कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये माइंड के अंदर आते हैं और आ सकते हैं, है ना? तो परमात्मा की तरह सोचना मतलब जो कर्म करना है प्रैक्टिकली किया, हुआ, दैट्स इट। पर मैंने नहीं किया, ये एक्शन ड्रामा में होना था इसलिए मेरे द्वारा वो एक्शन हुआ, है ना? तो उसमें मैंपन नहीं होगा। परमात्मा का संकल्प, मेरा संकल्प, मतलब उस संकल्प में मैंपन नहीं। मैंपन नहीं मतलब पर्सनल आइडेंटिटी रीनी नहीं है उसमें, उसमें सिर्फ आत्मा है और एक्शन परफॉर्म हुआ है बॉडी के थ्रू, है ना? माइंड का फिल्टर जो लिमिटेड फिल्टर है, हद का फिल्टर है, वो नहीं है। वो हद का फिल्टर अलग रख के आत्मा एक्शन में आती है। आएंगे दूसरे लिमिटेड हद के संकल्प, पर उनको मैं अपनी पहचान नहीं दूंगी, उनको मैं अपना नहीं बनाऊंगी। तो एक्शन में अब जैसे मुझे टिकट खरीदना है, मैं आत्मा, लिविंग बीइंग, मुझे पता है ये पार्ट चल रहा है और इस पार्ट में टिकट लेना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। टिकट प्ले किया, ह्यूमन पार्ट प्ले किया आत्मा ने, टिकट खरीदा, फुल स्टॉप। उसके आगे कोई दूसरी चीज़ नहीं। अगर आ भी रहे हैं दूसरे संकल्प, वो पर्सनल माइंड के हैं, है ना? तो परमात्मा के साथ संकल्पों के खजाने वेस्ट नहीं करना मतलब क्या है? जितना ज़रूरी है सोचना, आत्मा उतने ही थॉट्स को ऑटोमेटिकली, एक्चुअल में आत्मा सोचती नहीं, वो स्पॉन्टेनियसली अराइज होते हैं, है ना? आत्मा सोचने का काम नहीं करती, आत्मा साक्षी होकर सोच को देखती है आते हुए, उसमें से जो फिर प्रैक्टिकल थॉट्स होते हैं उसी को यूज़ करती है, बाकी सारे सरेंडर, मीन्स वो मेरे हैं ही नहीं, वो परमात्मा को दे देती है वापस, इन द सेंस कि वो मेरे हैं ही नहीं, उसके सागर में डुबो देती है। मेरा नहीं है, मेरा उतना ही है जितना मुझ आत्मा को कर्म करने के लिए ज़रूरत है, फुल स्टॉप। उसके आगे मेरे हैं ही नहीं। और वो भी जो संकल्प हैं वो अपने आप आते हैं, मैं क्रिएट नहीं कर रही हूँ, मैं उनको ऑटोमेटिकली आता हुआ, जैसे हम अभी क्लास में बैठते हैं, है ना? तो हम बहुत सोच कर नहीं बैठते हैं कि क्या बोलेंगे, ऑटोमेटिकली हमें ऐसा लगता है, अगर मैं अपनी स्मृति में हूँ बाबा के साथ, तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ जब बोलनी होती है तो वो ऑटोमेटिकली मुख के द्वारा बोली जाती है, बहुत सोच कर नहीं बैठ सकते, है ना? तो सोचना प्रॉब्लम नहीं है, संकल्प भी प्रॉब्लम नहीं है, जो अननेसेसरी अननीडेड संकल्प हैं वो भी प्रॉब्लम नहीं है, बस उनसे अपनी पहचान नहीं बनानी है, वो स्पॉन्टेनियसली आ रहे हैं, चले जाएंगे, आप उनमें फंसे नहीं, है ना? तो संकल्प का खजाना आत्मा समझ सकती है, संकल्प ही संकल्प को नहीं समझ सकता, रिनी एक संकल्प है, तो एज रिनी मैं संकल्पों के खजाने को कभी नहीं संभाल सकती, क्योंकि मैं तो रिनी तो खुद एक इमेजिनरी संकल्प से बना हुआ पुतला है ना? बॉडी के साथ एसोसिएटेड है वो थॉट,
बहुत सारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस को मैं लगाकर हमने ये एक पर्सनालिटी पर्सन की क्रिएट कर दी है और कुछ नहीं है। तो हमें बिल्कुल साक्षी रहना है अपने संकल्पों से। यही तरीका है पर्सनल आइडेंटिटी को डिसॉल्व करने का भी, क्योंकि बनी भी उसी से है तो डिसॉल्व भी मेरे डिसइंटरेस्ट से होगी। बनी भी संकल्पों से है तो मेरा डिसॉल्विंग भी संकल्पों में जितना डिसइंटरेस्ट होगा उतनी डिसॉल्व होती जाएगी ये पर्सनल आइडेंटिटी, है ना। तो ये मीनिंग है। तो जितना हम पुराने माइंड के संकल्पों और संस्कारों से साक्षी, उतना मैं परमात्मा के संकल्पों को ले सकती हूँ। प्रैक्टिकल माइंड भी यूज करूंगी मैं, है ना, बट इट विल बी वेरी क्लियर द मोर यू जस्ट एक ही प्रैक्टिकल लेवल पे यू द सोल स्टे विद बाबा नोइंग यू आर थॉटलेस इन परमधाम की स्थिति एंड बाबा जो भी थॉट जरूरी है कर्म करने के लिए वो अपने आप आएगा प्रैक्टिकल माइंड से एंड आप उसको यूज करेंगे, है ना। तो संकल्पों का खजाना आत्मा के लिए है, पर्सन के लिए नहीं। ये बहुत क्लियर हो।